जय माता दी दोस्तों, संतोष देहाती रेसिपी में आप सभी का स्वागत है। और गाइस, हम कम मीठे में ऐसा लड्डू बनाएंगे तो आपको अच्छा लगेगा हमारा रेसिपी। तो इस तरह का हमारा लड्डू तैयार होगा गाइस, तो देख लीजिए कितना मुलायम अच्छा क्वालिटी का लड्डू है। तो गैस को हम ऑन कर दे रहे हैं, बनाने की विधि की ओर चलेंगे। तो गाइस, हम इस पर एक कढ़ाई रख देंगे और हम कढ़ाई में एक कटोरी छोटा सा हम तेल डालेंगे। तो हमारा तेल इतना है कि जो हमने मैदा को इसमें डालेंगे तो मैदा का आधा हमारा रिफाइन है। तो इस तरह का हमने डाल के इसको हमको थोड़ा भूजना है, एक से दो मिनट तक, थोड़ा कच्चा पर निकल जाए, ज़्यादा हमको लाल नहीं करना है। तो इसी तरह को उससे हमको धीम आँच में भूजना है गाइस। तो देखिए इस तरह का हमारा मैदा भूजा चुका है, तो हम चलते हैं अब गैस अगला प्रोसेस के लिए। तो हम गैस को थोड़ा बंद कर देंगे और मैदा को हटा देंगे गैस से। फिर हम दूसरा कढ़ाई इस पर रखेंगे, गैस चालू कर दी है मैंने गैस। तो इसमें हम जिस कटोरी से मैदा को डाले थे उसी कटोरी से हम आधा कटोरी चीनी डालेंगे, और चीनी के आधा कटोरी हम उसी कटोरी से पानी डाल रहे हैं, इस तरह देखिए। और पानी डालने के बाद हमको एक उबाल के लिए हमको तब तक के लिए पकाना है इसके, जब तक एक उबाल आ न जाए। तो गैस तो इसी तरह हमको चलाते रहना है। और हमारा गैस एक उबाल आ चुका है, अब हम इसको दिखाएंगे क्या इसका प्रोसेस है। तो इसका प्रोसेस है गैस की एक तार की ज़रूरत नहीं है, बस अच्छा सा चिपचिपाहट होनी चाहिए। तो इसी प्रकार से चाशनी तैयार होना चाहिए। तो गैस हम इसमें जो भूजे हुए मैदा थे तो इसको हम डाल देंगे इस तरह, और डालने के बाद इसको हम चलाएंगे जब तक थोड़ा एक मोटा सा तार जैसा गाढ़ा पन हो जाए। तो इस तरह हमारे पेस्ट गाढ़ा हो चुके हैं गैस, देख लीजिए। तो गैस को हम बंद कर देंगे और उतार लेंगे कढ़ाई से नीचे कढ़ाई को। तो इस तरह हम चलाएंगे थोड़ा जब तक ठंडा ना हो जाए। तो जिससे जैसे ठंडा होगा सारे पेस्ट इकट्ठे होते चले जाएंगे इसी तरह। तो देखना गैस इसी तरह सारे करना है ताकि सारे मिक्स हो जाए जो लम्स वगैरह थे। तो गैस सारे हमारे पेस्ट इकट्ठे हो चुके इस तरह, तो और भी सारे इकट्ठे हो जाएंगे जिस जिस तरह से ठंडा होंगे। तो हमने चाकू की मदद से सारे पेस्ट को इस तरह से काच लेंगे जो हमारे पौनिया में लगे हुए। उसके बाद हम चलेंगे क्या गाइस इसमें हम क्या करेंगे। तो इस तरह ज़्यादा गर्म नहीं है बट आप छू सकते हैं। तो हमने उसी कटोरी से जो सामान यूज किए थे उसी से हमने आधा कटोरी ये गरी के गुरादा है, कोकोनट गुरादा आसानी से दुकान पे मिल जाते हैं किराना शॉप से, तो आप ले सकते हैं। तो इसी तरह से सारे हमने गुरादे को उसी पेस्ट में सारे मिक्स करके इस तरह से फाइन करेंगे। तो उसके बाद हम जो हमारा सारे पेस्ट तैयार हो गया है, तो कोकोनट डालने के बाद जैसे एक गरी जैसा खुशबू बनने लगता है। तो हमने इसका दो पार्ट कर लिए हैं। तो पहला पार्ट को हम छोटा छोटा लोइया तोड़ेंगे। तो साइज क्या है हम इस तरह का साइज बनाएंगे, तो हमें इसी तरह का छोटे छोटे गोटे तोड़ना है। तो हमारे सारे गोटे कट चुके हैं, देख लीजिए। अब इसको हम हाथों के मदद से गोला गोला इस तरह करके, तो हम इसके गरी को थोड़ा इसमें लगाएंगे ताकि अच्छे से पकड़ ले और एक अच्छा सल्लू भी तैयार हो और खाने में टेस्ट भी हो। तो सारे हमें इसी तरह हथेलियों पर रख के गोला करके तेल आप लगा सकते हैं हाथों पे। तो इसी तरह सारे लड्डू को हम तैयार कर लिए हैं, इस तरह देख लीजिए। तो हमारा लड्डू इस तरह तैयार हो गए गाइस। तो चलता है हम दूसरा जो पार्ट हमारा भाग था पेस्ट का, तो उसमें हम थोड़ा ग्रीन कलर का खाने वाला कलर डाल रहे हैं। ये खाने वाला कलर है, मार्केट में मिल जाते हैं। तो गाइस थोड़ा हमने कलर यूज किया और थोड़ा हम इसमें तेल डाल रहे हैं, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं। तो इसको हम अच्छे से मलेंगे हाथों से ताकि थोड़ा कलर हो जाए और थोड़ा लुक भी अलग चेंज हो जाए। तो इस तरह का हमारा क्वालिटी बन रहा है, देख लीजिए अच्छे से एकदम मुलायम हो गए हैं। तो गाइस ये थोड़ा टाइट हो जाता है इस तरह मीजने पे, थोड़ा लूज हो जाता है अच्छी तरह।
तो फिर हम इसको लोइया को काटेंगे जैसे हमने पहले लोई को काटे थे। तो सारे हमारे लोई कट चुके हैं, अब इसको भी हम उसी तरह बनाएंगे हाथों के मदद से, इस तरह गोले गोले। तो इस तरह हम सारे लड्डू को फिर तैयार करेंगे। तो फिर हम उसको कोकोनट से कवर करेंगे ऊपर से, देख लीजिए इस तरह से कोकोनट हमारे सारे लग चुके हैं। तो इसी तरह हमें सारे लड्डुओं को बनाना है इसी तरह। ये कम मीठे में है, अगर आप चाहे ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो जितना चीनी डाले थे आप उसका डबल चीनी डाल दीजिए, यानी एक कटोरी मैदा एक कटोरी चीनी, तो ज़्यादा आपका लड्डू मीठा हो जाएगा। तो गाइस हमारा बट इतना ही मीठा है लड्डू, क्योंकि मीठा ज़्यादा पसंद नहीं हम लोग करते। तो गाइस हमारा लड्डू इस तरह का तैयार है, एक पहला ये लड्डू है, दूसरा सफ़ेद कलर का है। तो हमने एक ही बार में दो कलर के लड्डू तैयार किए हैं, देख लीजिए। तो गाइस इस तरह का हमारा लड्डू तैयार हो गया। तो प्लीज़ हमारे वीडियो में अगर नए हो तो हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप कमेंट करेंगे तो हमारा आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में पहुंच जाएगा, तो आप हमारे वीडियो को आसानी से लग सकते हैं। तो प्लीज़ गाइस ये हमारा दूसरा कलर का लड्डू है और अच्छी क्वालिटी में लड्डू तैयार हुए हैं, तो आप भी बना सकते हैं। आप भी अपने परिवारजनों के लिए ऐसा लड्डू तैयार कीजिए और बने रहिए हमारे वीडियो में, ऐसे ही हमारे रेसिपी को सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। तो गाइस इस तरह का लड्डू हमने दिखाया है तोड़ के, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी को प्रेस कीजिए। तो मिलते हैं गाइस अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।